सर और लास्ट थ्री इयर्स के पेंसिल क्लासेस कोटा में केमिस्ट्री पढ़ा रहा। तो आज आप लोगों के सामने हम इस चैनल पे एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के लिए हम आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से बस सिर्फ एक चीज पूछनी है कि आप लोगों को भी पता होगा कि केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे या तो नीट का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, उसके लिए केमिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कहने का मतलब कि उसके लिए हम लोगों को बहुत जरूरी, मतलब केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर मार्क्स अच्छी लानी है तो केमिस्ट्री आना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लेक्चर आज केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे और उस लेक्चर में सबसे पहला, अब केमिस्ट्री में भी तीन पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो सबसे पहला पार्ट मेरा आज का होगा, आज का जो पहला लेक्चर होगा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन से, एनर्न दी एस्टेबिलिटी ऑफ गिवेन इंटरमीडिएट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप लोगों ने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, तो उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करना है कि कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल फॉर्म कैसे बनेगा, कैसे इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया होगा, ए बी सी और डी, चार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसकी हम स्टेबिलिटी निकालेंगे। पहला ऑप्शन है बी, बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा है, देन डी और लास्ट में ए। सेकेंड ऑप्शन इसका है सी बी डी ए, और थर्ड का ऑप्शन है बी डी सी ए, और जो लास्ट का जो ऑप्शन है फोर्थ ए बी सी डी। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे मुझे इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है। तो अब मुझे चेक करना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, अगर हम आप लोग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग बोलिएगा सर इसकी ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल, जैसे हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालते हैं उसके बेसिस पे जो इसका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे बेसिस पे ए बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कैसे? तो अब इसको हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हम इसकी स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहला यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो कार्बोकेटाइन का जो डिग्री है, सारे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, ठीक है। जितने भी कार्बोकेटाइन है सारे के डिग्री 1 डिग्री है। अब इसमें डिफरेंस क्या चीज का है, तो यहां पर देख रहे हैं कि इस वाले पहले वाले जो ऑप्शन में जो कंपाउंड है यहां पर इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगाया है, सेकेंड वाले में एक एम ही लगा दिया। और पता होगा कि जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि जो एम ही जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उसका होते हैं प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड है ओ माइनस, ओ माइनस का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। नेक्स्ट सी एच माइनस, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इस इफेक्ट के बेसिस पे चेक करेंगे, एक ऑर्डर याद होगा तो देखो एक ऑर्डर होता है प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर में सबसे ज्यादा होते हैं सी एच टू माइनस, इसके बाद एन एच माइनस, इसके बाद ओ माइनस। अगर हम इसके बेसिस पे स्टेबिलिटी निकालेंगे तो सबसे ज्यादा केटायन जो स्टेबल फॉर्म बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेगा सी, सी के बाद पी, बी के बाद डी और लास्ट में ए, लेकिन ए क्या है, गलत है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखना है, इस पे एक ट्रिक होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे डी एन पी रूल, जिसको बोलते हैं डी एन पी। डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर और पी मीन्स होते हैं पावर, मतलब डिस्टेंस नंबर एंड पावर। इस तरह से इसको यूज करेंगे, सबसे पहला डोमिनेंट फैक्टर होता है डिस्टेंस, इसके बाद नंबर, लास्ट में पावर। तो अब चलो इस क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कोई सा भी ग्रुप नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, इसको हटा दो। सेकंड वाले बी में चेक करो कि यहां पर जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लस आई ग्रुप के ऊपर। प्लस आई जितना ज्यादा होगा उतना ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर देखेंगे कि एम का जो प्लस आई होते हैं ओ माइनस के कंपेयर में कम होता है, देन सी एच टू माइनस के कंपेयर में कम होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है सी एच टू माइनस, उसके बाद एन एच माइनस, इसके बाद ओ माइनस, ठीक है।
लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे डीएनपी, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो एमई है, एमई का जो डिस्टेंस है इस कार्बो कैटायन से इसके डिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब वन पे। और यहां पर जो देख रहे हैं ओ माइनस का इफेक्ट सेकेंड पोजिशन, और यहां पे जो सी एच टू माइनस का जो डिस्टेंस है वो थर्ड पोजिशन, वन सेकेंड और यहां थर्ड पोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे डिस्टेंस, मतलब यहां से कैटायन से इस जो ग्रुप का जो डिस्टेंस है बिल्कुल इसका डिस्टेंस कम है। इसका मतलब कि ए जो प्लस आई जो एम होगा ये कार्बो कैटायन को मोस्ट स्टेबलाइज बनाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन बनेगा, बी, तो सबसे ज्यादा बी। इसके बाद चेक करेंगे सी और डी में। अब सी और डी में देखेंगे क्या कि यहां पे जो ओ माइनस का डिस्टेंस और यहां पे सी एच टू माइनस का डिस्टेंस ये सेकंड पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला डिस्टेंस फैक्टर चला गया। अब यहां पे देख लेंगे डिस्टेंस सेकंड नंबर और यहां पे थर्ड पोजीशन पे, इसका मतलब सबसे पहला डिस्टेंस फैक्टर करेंगे। पावर तो इसका ज्यादा है, CH2- का प्लस आई ओ माइनस से ज्यादा होते हैं, लेकिन पावर फैक्टर सबसे लास्ट में लगाते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो डिस्टेंस फैक्टर। तो यहां पे ओ माइनस इस कार्बो कैटायन से सेकंड पोजीशन पे और यहां पे CH2- इस कार्बो कैटायन से थर्ड पोजीशन पे। तो जिसका डिस्टेंस जितना कम होगा वो कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि जो सी का डिस्टेंस C की स्टेबिलिटी D से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा B, B के बाद आ गया C और C के बाद देखेंगे D। अब D और A में कंपेयर करेंगे, ये तो न्यूट्रल है, A के पास कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन यहां पे D के पास है प्लस आई ग्रुप लगाया, तो यहां पे D की स्टेबिलिटी A से क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इसको कुछ भी नहीं करते, बस सिर्फ जो भी इंडक्टिव का क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस पे डीएनपी अप्लाई कर दो, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन पे डीएनपी अप्लाई करो, सारे जो भी क्वेश्चंस बनेगा सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। अगर डीएनपी नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने का भी चांस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, डीएनपी का कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब सिर्फ ग्रुप का इफेक्ट चेक करो आंसर निकाल दो। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मुझे डीएनपी अप्लाई करना होता है, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो भी इंडक्टिव का क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस पे डीएनपी अप्लाई करो, बनने वाला जितने भी क्वेश्चंस होगा सारे बिल्कुल ही सही होगा। तो मेरा मानना है कि जो भी इंडक्टिव का क्वेश्चंस बनेगा वो सारे क्वेश्चन पे डीएनपी अप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग डीएनपी के अप्रोच पे अप्लाई करके सही किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखें। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सॉल्यूशन निकाली। अब अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हो तो मैं प्लेलिस्ट में मेरा सारे एक एक वीडियो, एक एक केमिस्ट्री का आज से वीडियो स्टार्ट है, एक एक वीडियो आप लोगों को पहुंच जाएगा और सारे वीडियो आप लोग एक एक करके लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। और इस क्वेश्चन को कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर देखें, प्लेलिस्ट में जाए, एक एक वीडियो को चेक करें। मेरा पर डे वीडियो आएगा, केमिस्ट पहला लेक्चर है और एक एक वीडियो पर डे आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो कहीं अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।